मैं आपको बिल्कुल आसान और नया तरीका बताऊंगा, कुछ ही मिनट में आपकी बात डायरेक्ट जियो के कस्टमर केयर से हो जाएगी। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के डायलर में आना है, यहाँ पर आपको एक नंबर डायल करना है 198। ये जियो का कस्टमर केयर का नंबर है और एयरटेल का भी है, तो आपको इसे अपने जियो नंबर से डायल करना है। नंबर डायल करने के बाद जो भी दोस्तों स्टेप मैं फॉलो करूंगा, जो टाइम मैं आपको बताऊंगा कौन सा नंबर दबाना है, वो टाइम आपको वो नंबर दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायल कर देते हैं अपने जियो नंबर से, स्पीकर को ऑन कर देते हैं। वेलकम टू जियो, आपके नंबर पर जियो ट्रू 5G सेवाएं सक्रिय है। सर्वोत्तम सेवाओं का अनुभव लेने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका फोन हमेशा नवीनतम सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेट किया हो। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस, ये जो भी दोस्तों बोलेगी आपको सुनना है, कोई भी नंबर नहीं दबाना है, नहीं तो कॉल लगेगा नहीं। दशमलव शून्य MB डेटा कोटा में से बचा हुआ है और ये 7 फरवरी 2024 11:52 AM तक वैध है। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस 1.55 GB है, जो आपके 6.0 GB डेटा कोटा में से बचा हुआ है और ये 7 फरवरी 2024 11:52 AM तक वैध है। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस 0 MB है, जो आपके 0.0 MB डेटा कोटा में से बचा हुआ है और ये 8 दिसंबर 2023 11:52 AM तक वैध है। नए ऑफर्स, रिचार्ज और प्लान के लिए 1 दबाएं। अपने वर्तमान सक्रिय प्लान, पिछले 5 रिचार्ज, डेटा बैलेंस, प्लान की वैधता और आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए 2 दबाएं। नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड से संबंधित शिकायत के लिए 3 दबाएं। अपने आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए या उसको एक्टिवेट करने के लिए 4 दबाएं। यदि आपने नए जियो कनेक्शन के लिए आवेदन किया है और आप उसके एक्टिवेशन का स्थिति जानना चाहते हैं, 5 दबाएं। अपने खोई हुई सिम कार्ड की सूचना देने के लिए जियो ट्यून्स PU के कोड की जानकारी और अपनी पसंदीदा भाषा को चुनने के लिए 6 दबाएं। अपील करने का तरीका जानने के लिए 7 दबाएं। दोहराने के लिए 0 दबाएं। यहाँ पर आपको 3 दबाना है। अगर आपकी शिकायत उस नंबर के लिए है जिससे आप कॉल कर रहे हैं, तो 1 दबाएं। दोहराने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। यहाँ पर 1 दबाना है। यदि आपको स्लो स्पीड की समस्या आ रही है तो 1 दबाएं। यदि आपका इंटरनेट चलना बंद हो गया है तो, या आपको उपयोग करते वक्त कोई एरर आ रही है तो 2 दबाएं। यदि आपको कॉल करने या रिसीव करने में कोई समस्या आ रही है तो 3 दबाएं। दोहराने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। यहाँ पर आपको 9 दबाना है। कृपया प्रतीक्षा करें, जल्द ही हमारे एडवाइजर आपकी सहायता में उपलब्ध होंगे। नमस्कार जी, मैं आपका स्वागत है, मैं दीक्षा, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैडम आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। हाँ जी बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ सर? मैडम जियो के नंबर पर कितने महीने तक रिचार्ज नहीं करेंगे तो जियो का सिम बंद हो जाता है? सर मैक्सिमम 2 मंथ सर। ओके, थैंक यू मैडम। तो इस तरह से दोस्तों आप कुछ ही मिनट में जियो के कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना।